चीनू अभी भी 9 बज रहे हैं मेरे घड़ी में। तेरी घड़ी ना 2 दिन से खराब पड़ी है, मैंने कहा था ठीक करा ले, अब देख लेट हो गया, चल जल्दी। ये ना घड़ी की वजह से लेट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो टाइम से रेडी हो गई थी। मुझे लगा कि 9 बजे पर जाना, हमें 11 बजे, अब जल्दी चल, नहीं तो दीपाली बहुत सुनाएगी। चल चल जल्दी चल। अरे यार नहीं तो साड़ी जमेला। ध्यान से चल, ध्यान से चल। तो जियो कैसे चलूँ, गिर मत जाइयो। मैं तो उसको बोल दूंगी तेरी वजह से लेट हुआ। ओए माँ, ऐसा कुछ मत बोलिए, नहीं तो मेरे सर पे नाचने लगेगी। नहीं नहीं अब तो बोलूंगी, बहुत सुनाने वाली है, जैसे गेट खोलूंगी ना चिल्लाने लगेगी। इससे अच्छा तो उसके घर पे ही सो जाते हम। मैंने तो तेरे को कहा था कि इसके घर पे ही सो जाते हैं, तू ही कह रही थी। इसके भाई ना रात को सोते हुए पान मारते हैं और कराटे भी लेते हैं, और दिखा अपने नखरे। अब प्यार मुझ पर चिल्ला रही, अब चल अंदर। अरे गेट खुला हुआ है, ठीक है तो कोई भी नहीं है। दीपाली 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 दीपाली, कोई है ही नहीं लगता है, बहुत ठंडा पानी है। अदिति मैं नहा रही हूँ, जब तक मैं बाहर आती हूँ तुम लोग मेहंदी तैयार कर लो। मैं बच कर इसकी डांट से। हाँ ठीक है, हम तो कब से आए हुए थे, लगा लेते हैं मेहंदी। बच्चों कैसे हो? नमस्ते अंकल, नमस्ते। बैठो बैठो बच्चों, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। ये दीपाली कहाँ है? अंकल वो ना नहाने गई हुई है। उसको क्या जरूरत थी नहाने की, आज मेहंदी है, नहाएगी तो बीमार हो जाएगी। हमारे अंकल विदिति कितने मासूम हैं। अरे अंकल मेहंदी लगाने के बाद बीमार होते हैं, उससे पहले नहीं। हाँ तो अभी तक वो नहा सकती है, मेहंदी नहीं लगी उसके। बच्चों ये सब बातें तो औरतों को मालूम होती है, मेरी तो बागवान नहीं है ना, नहीं तो वो जो सब संभाल लेती। बहुत बहुत अंकल रोने क्यों लगते हैं? अंकल ऐसे रो मत, नहीं तो दीपाली ने देख लिया ना तो वो भी रोने लग जाएगी, प्लीज मत रो। बच्चों मुझे मेरी बागवान की याद आ गई थी, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। ओके मेरी बात सुनो, देख मेहंदी तो लग गई, एक काम करते हैं, जब तक सब आते हैं ना सबके लिए पूरी और हलवा बना देते हैं, नाश्ता कर लेंगे लोग। हाँ, ठीक है। क्या हो गया? लगता है ये सिलेंडर खाली हो गया। एक काम करते हैं, भरा हुआ सिलेंडर लगाते हैं और एक खाली सिलेंडर इन लड़कों से उठवा लेंगे। अरे तुझे पिछली बार का याद नहीं क्या हुआ था? अब उठाएंगे, रुको रुको। तूने भी करा दी बेइज्जती। सही याद दिलाया। अरे ये तो खाली सिलेंडर है, ये तो उठा ही सकते हैं, और अगर ना भी उठाए हमारे तो मजे हो जाएंगे ना देख के। कभी ध्रुव ध्रुव। हाँ जी बताइए, क्या काम है? ध्रुव नाम तो हमारा है बे, तुम का आ गए? अरे जो काम तुमसे नहीं होगा वो हमसे हो जाएगा, इसलिए हम एडवांस में आ गए। आप बताइए क्या काम है बेटा? बताते बताते लड़िए मत, कहने सिलेंडर हमसे उठ नहीं पा रहा है, जरा इसे हटा दो हम दूसरा लगा दे। सिलेंडर सिलेंडर दिना दिना। एक मिनट। हाँ पापा 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 को कॉल। हाँ आए आए आए। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। अरे नलायको इसे तो हम भी उठा लेंगे। क्या बात
तो मेहंदी वाले बुलाई है। सही है, मुझे भी ना मेहंदी लगवानी थी। अच्छी बात है मैंने पहले गाना गा लिया, बाथरूम में भी हुआ तू ना, मेहंदी लगा दूंगी मैं। हाँ हाँ मैं भी लगवाऊंगी अपने हाथों पे। एक सेकंड, तुम लोगों के लिए नहीं बुलाई है, अपने लिए बुलाई है मैंने, ठीक है? और तुम लोग ना खुद से लगा लो। अरे कैसे दोस्त है, हम इतने महंगे महंगे तोहफे लाए और ये हमें 100-200 की मेहंदी नहीं लगा सकती अपने हाथों पे, हम क्या लगाएंगे? हाँ यार इतनी कंजूस है यार। ऐसी बात नहीं है, बहुत पैसे ले रही है मेहंदी वाली, 1200 के और पैरों के 500 रुपए है। मुझे बताती, मेरी दोस्त है ना 600 लेती तेरे दोनों हाथों के और 100 तेरे पैरों के। यार तूने बताया क्यों नहीं? तूने पूछा? अब क्या करे, जो होना था वो हो गया। फोन करती हूँ मैं। ये तो फोन ही नहीं उठा रही। ओए मां, अब फोन कहां ही उठाएगी? शादी का सीजन चल रहा है मेरी बहन, पता नहीं उसको कहीं और ही मिल गया हो। कोई महंगा तेरे से ज्यादा अच्छे पैसे दे रहा हो, अब तो दुदु गई। यार ऐसे मत बोल, मेरी मेहंदी है, कल मेरी शादी है। अरे अरे ऐसे रो मत, एक काम करते हैं, ला हाथ मैं लगा देती तेरे अभी मेहंदी, बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, बहुत अच्छी मेहंदी आती है। ला, अबे इससे मत लगवाइयो, इसको तो ना ड्राइंग में सी ग्रेड मिलता था और मेरे को तो B+ मिलता था, खुद से लगवा ले। झूठ बोल रही है, तेरे हाथों में ना खिचड़ी बना देगी, मेहंदी नहीं लगाएगी। मेरी यकीन कर, मैं लगाऊंगी अच्छी मेहंदी। नहीं नहीं मुझसे लगवा। मैं लगाऊंगी। मुझसे लगवाना। मैं लगाऊंगी। अरे एक सेकंड, मुझे ना तुम दोनों के ऊपर ही भरोसा नहीं है, दोनों मेरे हाथों पे खिचड़ी बना दोगे, मुझे नहीं लगवानी तुमसे मेहंदी। अब देख बहन, मेहंदी तुझे लगवानी है, तेरे पे कोई चारा भी नहीं है, कोई मेहंदी वाली भी नहीं है, यकीन नहीं होता ना तो किसी और के हाथ पे लगा देते हैं। पहले उस पे लगा देंगे, अच्छी लगी तो फिर तेरे हाथ पे भी लगा देंगे, पता मंजूर है? यार किस पे ट्राई करें? अबे तेरे जो भाई है ना दो चोर सी शक्ल के, उनसे लगवा ले। हाँ सही कह रही है, बड़े छोटे। हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हें कुछ लगवाना है। क्या लगवाना है? गले नहीं, तुम दोनों के एक एक गर्ल पे चाटे लगवाने हैं, मेहंदी लगवानी है यार। अरे हमको लगवाए मेहंदी वाली, हम क्या लड़की हैं अबे? हमारे लड़के लड़कियों से कम है क्या? हाँ ना प्लीज मेहंदी लगवा लो ना। इतने प्यार से बोले, हम तो गाल पे चांटा लगवा ले, मेहंदी तो बहुत छोटी बात है। मुझे दे, अब मैं दिखाती हूँ मेहंदी किसे कहते हैं। तू बता अबे ये क्या बना दिया? ये देख, ये है चांद और ये सितारे। अबे चांद सितारे तो कहीं से नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है चांद पे ग्रहण लग गया हो। मेरी मेहंदी। अरे क्या हुआ, मेरी फूल गोभी जैसी बेटी को क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? पापा मेरी मेहंदी वाली नहीं आई, अब मैं मेहंदी कैसे लगाऊंगी, मेरी कल शादी है। बेटा तू रो मत, तेरे हाथों पर मेहंदी मैं लगाऊंगा। आपको मेहंदी लगानी आती है? देख बेटा, जब तेरी मम्मी करवा चौथ का व्रत रखती थी ना, तो उसके हाथों पर कौन मेहंदी लगाता था? मैं लगाता था। मैं
अब आंखें खोलो। पापा आपने ये क्या लगा दिया? ये कितना दिल? ये मैंने क्या किया? मम्मी, मम्मी। अरे बच्चों, मुझे हलवाई का काम देखना है, मैं जा रहा हूँ। हैं? ऐसा लग रहा है इसके गाल पे किसी ने जोरदार चाटे लगाए हैं, पूरी की पूरी चार चार उंगलियां चप गई। अबे ओए धीरे बोल, उनने सुन लिया ना तो तुझे काट खाएगी। देख दीपाली, अब तेरे पे तो कोई चारा है नहीं, वैसे भी तेरी मांझी तूने देख ली ऐसी लगी है, अब हमें ही लगाना था, हम ही बचे, बाकी तेरी कल शादी है, तुझे लगानी नहीं लगानी, हम क्या ही कह सकते हैं। आपको इस चारा ही दी है, ठीक है लगा दो फिर। आजा आजा फिर आजा। दीवानी हो जाइए तो मेरी आंखें बंद रखी शूटिंग। चलो बाकी खोल। छी, ये क्या बना दिया तुम दोनों ने? तुमने तो पापा से भी बुरी बनाई है। ये है दूल्हा और ये दुल्हन। अबे ये दूल्हा दुल्हन कहाँ से लग रहा है? लग रहा है बकरा है या बकरी है। तुम दोनों ने पूरी मेहंदी खराब कर दी मेरी, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हाथ का बदला हाथ से। यार मैं तो तेरी मदद कर रही थी मेहंदी लगाने में, अब मुझे ही मारेगी क्या तू? प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरी मेहंदी खराब की, कल मेरी शादी है तेरी, तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं दिवाले छोड़ दे मम्मी। ध्रुव इसको पकड़ के रख, जब तक मैं चीनू को लेके आती हूँ इसको कहीं जाने मत दियो, अगर ये चली गई तो मैं तुझे काट खाऊंगी। वो तो गई, अब मैं जाऊं? अगर तुम चले गए ना तो मेरी जान ले लेगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं चीनू। यार काटियो मत यार। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे काटूंगी नहीं, पर तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोचेगी चल रही है या मैं लाइट बंद कर दूं। फिर मत रोइयो कि लाइट बंद कर दी, लाइट बंद कर दी। नहीं नहीं, आती हूँ आती हूँ। बिठाओ इन्हें। पकड़ो इन दोनों को, पकड़ो इनके हाथ। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। नहीं। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। अरे लग गई तुमको मेहंदी, आंखें खोलो। अरे बच्चों क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? इतनी सी बात, अब देखो। बच्चों अब बहुत हो गया, चलो यार गीत संगीत कर लेते हैं। हाँ हाँ संगीत तो रहेगा, संगीत करते हैं अब। हाँ हाँ पापा संगीत तो कर लेंगे, पर मैंने आपको कहा था ना कि आप गद्दे का इंतजाम कर लेना, अब इनके लिए गद्दे तो बिछवा दो, अभी घर थोड़ी ना जाएंगे इतनी रात में। अरे गद्दे लाने के लिए मैं इन दो निकम्मों को बोला था, कहाँ है गद्दे? भूल गए। तुम निकम्मों को मैंने एक काम बोला था, तूने वो भी नहीं किया। अरे पापा काहे टेंशन ले रहे हो, अभी लाए देते अपने दोस्तों से गद्दे वद्दे।
रात के 10 बज रहे हैं, इस टाइम कहाँ मिलेंगे तुम्हें गद्दे, सब सो गए होंगे। अरे तो टेंशन ना ले, हमारे दोस्त है जिगरी दोस्त, रात के 3-3 बजे तक जगे रहते हैं, हम ले आएंगे गद्दे। अच्छा जाओ फिर जल्दी जाओ। मैं भी थोड़ा काम बचा है ना, वो कर लेता हूँ। अबे दमाग क्यों रहे, आगे चल ना। तू चल बे आगे। अबे तू चल आगे चल। अबे तू चल आया बड़ा मौसी के, हम की ऐसी की तैसी, चल आगे तू चल। अभी तुझे मार के गिराता हूँ। कवाली में जाना चाहिए हम लोगों को। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि तुम लोग बताओ तो सही, तुमने संगीत पे क्या प्रैक्टिस करी है? वैसे तुमने करे हो या ना करे हो, मैंने और चीना ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है। क्या चीना? बोले चूड़िया, बोले कंगना। यार तुम लोग बोले चूड़िया पे क्यों कर रहे हो, इस पे तो मैंने डांस प्रिपेयर कर लिया, इस पे तो मैं करने वाली हूँ। चल ठीक है फिर, मैं दूसरे गाने पे भी गया था, उसका नाम क्या था चीनी? अरे वो था ना सैया सुपरस्टार। सैया सुपरस्टार, हम तो सैया सुपरस्टार पे कर रहे थे। यार सैया सुपरस्टार पे तो मेरी एंट्री है यार, मैं दुल्हन हूँ, मैं इस पे एंट्री लेने वाली हूँ। अरे क्या है तुझे, सब पे तो तू कर रही है, हम क्या करें? वहाँ पे नन्ना मुन्ना राई देश का सिपाही वो करे क्या? एक काम करो, तुम लोग इस गाने पे कर लो। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। इस पे कर लो। हम 15 अगस्त की डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तेरी शादी की डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे तो लगता है तू शादी नहीं, हम तेरी शादी में नाचे भी क्यों? अरे दीपाली हमारी बहन है भाई। अरे हम इसे बचपन से जानते हैं, ये जानबूझ के कर रही है ताकि स्टेज पे लोग इसको देखें और तुम्हें ना देखें, इसलिए ऐसे ऐसे गाने बता रही। क्या दीपाली ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ यार ये सच कह रहे हैं, क्योंकि ना मेरी शादी है, मैं दुल्हन हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें देखे, सबकी अटेंशन मुझ पे होनी चाहिए ना। अरे मेरी माँ, सबकी अटेंशन तेरे पे होगी, तू हाईलाइट होगी, हमें तो कोई देखेगा भी नहीं यार, ब्राइड को देखते हैं ना कि उनकी साली या फिर दोस्तों को। यार मैं कोई चांस नहीं ले सकती, मैं इनसे अच्छा डांस करूंगी, मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ ओए तुम दोनों चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। अरे हमें कहाँ लेके जा रही हो? डांस प्रैक्टिस के लिए। हम नहीं नाचने वाचने वाले। तुम दोनों चल रहे हो या मैं पापा को बताऊं? ओए मां चलो चलो डांस प्रैक्टिस करते हैं। अरे तू अपने साथ हमें क्यों कीचड़ में ढकेल रही है? तुम लोग कर रहे हो, मैं पापा को बुलाऊं? अरे यार कर रहे हैं हर बात में पापा पापा। चलो जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे वैसे करना, ठीक है? बोले चूड़िया बोले कांगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। भाई तुम लोगों ने मुझे पकड़ा क्यों नहीं, साजना पे पकड़ना था। अरे पागल वागल लेके तुझे उठाएंगे तो पिस नहीं जाएंगे? हमें सांस वांस नहीं आएगी भैया। अब जैसा मैं बोलूंगी ना वैसा करना, साजना पे मुझे ऐसे पकड़ लेना, ठीक है? दोबारा करते हैं। अरे पागल वागल लेके हमारे ऊपर गिर के हमारा भरता बनाएगी? अरे हमारी सांस वांस रुक जाएगी भैया, हम नहीं पकड़ रहे। तुम लोग कर रहे हो या मैं पापा को बुलाऊं? पापा। ठीक है हर बात पापा को बुलाने लगती है। चुपचाप से जैसा कर रहे हो वैसा करना, फिर से बोले चूड़िया बोले कांगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। जल्दी उठ मोटी। अरे सांस नहीं आ रही, उठो भैया उठो। चलो चलो अच्छा था, यहाँ पर जैसे भी कर लिया, पर स्टेज पे ना अच्छे से करना,
पकड़ लेना मुझे, वहाँ पर मत बोलने बैठ जाना, सांस नहीं आ रही। 2 मिनट अगर सांस रोक लोगे तो मर नहीं जाओगे। अरे बच्चों, हो गई प्रैक्टिस? हाँ पापा हो गई। उनकी भी हो गई, चलो आओ संगीत शुरू करते, आ जाओ। चलो लड़को, अब उनको दिखा देंगे हम। अबे यार कहाँ फंसा दिया। सुपरस्टार मेरा बलवा सुपरस्टार। बोले चूड़िया बोले कांगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। भाई जान निकाल दी इस मोटी ने। भाई मेरा मन नहीं हो रहा यार, छोड़। यार दीपाली बुरा मत मानियो, यहाँ तो ठीक है हमारे आगे गिरी है, पर स्टेज पे सबके आगे गिरेगी तो ढंग की प्रैक्टिस कर ले। जी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अपनी शादी में देखूंगी सीधा। Hey guys, तो कैसे आप सब, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना। मेरे को मत भूलना, और देखो कितना मजा आ रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं दीपाली की शादी। मेरी शादी होने वाली है और दादी कब हो जाए। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, क्योंकि अभी हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, अब क्या रह रही है शादी रह रही है। तो मिलते हैं जल्दी प्यारे लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आओ आओ।